हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों खंड काव्य किसे कहते हैं और हिंदी के चार खंड काव्यों के नाम रचयिता सहित लिखिए, या दोस्तों अथवा में हमारा प्रश्न है खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा में प्रश्न है हिंदी के चार खंडों का मतलब खंड काव्यों के नाम रचयिता सहित। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले है खंड काव्य। तो दोस्तों वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक मार में घटना का चित्रण होता है खंड काव्य कहलाता है। दोस्तों वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन की किसी एक मार में घटना का चित्रण होता है खंड काव्य कहलाता है। और दोस्तों वह काव्य जिसमें किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है उसे दोस्तों हम लोग खंड मतलब उसे हम लोग महाकाव्य कहते हैं। दोस्तों परिभाषा और भी देख लेते हैं। एक और परिभाषा है कि दोस्तों खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। दोस्तों हिंदी के चार खंड काव्य तथा रचयिता निम्नलिखित है। सबसे पहला है पंचवटी, तो इसके जो हमारे रचयिता हैं वो है मैथिली सारगुप्त। दूसरा है सुदामा चरित, दोस्तों इसके हैं नरोत्तम दास। और दोस्तों तीसरा है हल्दीघाटी, इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। और चौथा राखी है पार्वती मंगल, इसकी रचयिता है तुलसीदास जी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।